नेहा नेहा, अरे जरा मेरी मदद कर दे। नेहा नेहा, ये लो आपकी चाय। ये सब आपकी गलती है। अरे अब मैंने क्या किया? ये सब आपकी ही कारस्तानी है। ना नेहा को वो नया बड़ा मोबाइल लाकर देते और ना ही वो ऐसी रहती। अरे अब फर्स्ट क्लास में पास हुई है तो कुछ तो देना बनता ही है। फर्स्ट क्लास में पास हुई, शादी करके जाएगी तो क्या ससुराल वालों को डिग्री खिलाएगी? ना वो उस मोबाइल को छोड़कर घर का काम सीखती है और ना ही मेरी बात मानती है। जब ससुराल वाले ताना मारे ना तो मुझे ना कहना। मेरी बेटी शादी करके ससुराल जाएगी ही नहीं, तुम ही उसे जिंदगी भर अपने हाथ का खाना खिलाना। आए बड़े, दिन भर ये लड़की मोबाइल पे लगी रहती है, ना जाने क्या खेलती रहती है वो। अरे उसे पबजी कहते हैं। हाँ हाँ वही, पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। इस दिन को बस कुछ ही महीने बीते थे और आज नेहा को देखने राजीव और उसकी माँ नेहा के घर आए थे। है तो बहुत सुंदर, कितनी पढ़ी लिखी है। मेरी बेटी ग्रेजुएट है, वो भी फर्स्ट क्लास से। अरे वाह, मैं राजीव के लिए पढ़ी लिखी लड़की ही ढूंढ रही थी। राजीव, क्या तुम्हें नेहा पसंद है? राजीव ने शर्मा कर हाँ बोला और उन दोनों की शादी पक्की हो गई। नेहा हमेशा पबजी खेला करती थी, दिन में, सुबह, शाम, हर वक्त। अरे नालायक, कुछ काम सीख ले, ससुराल वाले ताना मारेंगे ना, तब समझेगी। नेहा अपनी माँ की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। कुछ महीनों बाद राजीव और नेहा की बड़ी धूमधाम से शादी हुई। दोनों परिवार वाले बहुत खुश थे। शादी वाली रात जब राजीव कमरे में जा रहा था तो वो थोड़ा नर्वस था, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वो हैरान रह गया। उसकी दुल्हन बड़े मजे से फोन पर पबजी खेल रही थी। राजीव को तो समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले। अगली सुबह, बहू, अरे बहू। नेहा की सास किचन में नाश्ता बनाने लगी। सारा नाश्ता तैयार हो गया। कमाल है, नेहा अब तक नहीं आई, चलकर देखती हूं। नेहा की सास जब उसके कमरे में गई तो नेहा अपने फोन में पबजी खेल रही थी। मैं कब से आवाज दे रही हूँ और तुम यहाँ गेम खेल रही हो? अब वो माँ जी, अगर मैं गेम छोड़ देती तो कोई मुझे मार देता। एक मिनट माँ जी, एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, नाश्ता तैयार है, नाश्ता करने आ जाओ। राजीव और उसकी माँ दोनों नाश्ता करने पहुँच चुके थे, लेकिन नेहा अब भी गेम खेलने में बिजी थी। मैं कब से इस लड़की को आवाज दे रही हूँ, लेकिन ये गेम छोड़ती ही नहीं। राजीव चुपचाप नाश्ता करने लगा। उसने अपनी माँ को कोई जवाब नहीं दिया। नाश्ता खत्म करके बरखा घर का सारा काम करने लगी। फिर उसने दोपहर का खाना बनाया। बरखा घड़ी की ओर देखती रही। अजीब है, ये लड़की अब तक नहीं आई। और फिर बरखा खाना बनाने में बिजी हो गई। सारा खाना तैयार होने के बाद, राजीव, बेटा राजीव, बहू, बहू। राजीव टेबल पर आ गया, लेकिन नेहा वहां नहीं पहुंची। मैं नेहा को बुलाकर लाता हूँ। ठीक है। नेहा, ये क्या, तुम अब तक गेम ही खेल रही हो? माँ तुम्हें कब से आवाज दे रही है? अरे अभी तो कुछ देर पहले शुरू किया है। दोपहर के एक बज गए हैं और तुम अब भी गेम खेल रही हो, वाह। एक बज गए, वही मैं बोलूं, मुझे इतनी भूख क्यों लगी है? नेहा ने अपना फोन वहीं रख दिया और राजीव के साथ खाना खाने चली गई। कब से तुम्हें आवाज दे रही हूँ? अब सॉरी, वो मैं गेम खेल रही थी। ठीक है, लेकिन गेम से पेट नहीं भरता, सुबह नाश्ता भी नहीं किया। हाँ,
मुझे भूख लगी है। फिर तीनों ने साथ में खाना खाया। अब वापस गेम खेलने मत लग जाना, तुम्हें देखने मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं। अब ठीक है माँ जी। नेहा अपने कमरे में गई और फ्रेश होकर उसने कपड़े चेंज कर लिए। अभी लोगों को आने में बहुत समय है, तब तक एक गेम खेल लेती हूँ। और नेहा ने वापस अपना गेम शुरू कर दिया। कुछ देर बाद बरखा उसके कमरे में आई। चलो सब आ चुके हैं। ठीक है माँ जी। बरखा की सहेलियों ने नेहा को देखा और उसकी तारीफ की। बरखा बहुत खुश थी, लेकिन अगले दिन फिर नेहा पबजी खेलने में मगन हो गई। बहू बहू बहू, बरखा इतनी आवाजें लगाया करती थी, लेकिन नेहा उसकी एक ना सुनती। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। राजीव, मैं इसकी गेम की लत से तंग आ गई हूँ। अब मैं क्या बोलूँ माँ, मैं भी परेशान हूँ। हमें इसके परिवार वालों से बात करनी चाहिए। हाँ, जैसा आपको ठीक लगे। बरखा ने नेहा के मम्मी पापा को बुलाया और उनसे शिकायतें करने लगी। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ, मैं इतना चिल्लाती रहती हूँ पर ये सुनती ही नहीं, बस अपने पबजी में लगी रहती है। वो बहन जी, मुझे अपने बेटे के लिए पढ़ी लिखी बहू चाहिए थी, एक पबजी एडिक्ट नहीं। मेहरबानी कीजिए और इसे ले जाइए। नेहा के माता पिता बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने बरखा को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो एक ना मानी। अंत में नेहा को उसके मम्मी पापा के साथ उनके घर जाना ही पड़ा। मैं ना कहती थी, ये ससुराल में नाम खराब करेगी। हाँ, अब मैं लोगों को कैसे मुंह दिखाऊंगा। पर नेहा को इसकी पड़ी नहीं थी, वो अब भी पबजी में बिजी थी। ये कहानी है सोनू की। सोनू एक बहुत अच्छा बच्चा था। वो पढ़ाई में भी अच्छा था और बड़ों की बात भी मानता था। सोनू के पापा नरेंद्र जी हमेशा उसे अच्छी अच्छी बातें सिखाया करते थे, जैसे, ये क्या सोनू, तुमने तो पूरे घर को गंदा कर रखा है। पापा ये देखिए, मैंने आपकी, मेरी और मम्मी की तस्वीर बनाई है। बहुत अच्छी है सोनू, लेकिन अब हमें घर साफ करना होगा, वरना ये सब अकेली तुम्हारी मम्मी को करना पड़ेगा। नहीं नहीं पापा, हम दोनों सारा घर साफ कर देंगे। सोनू और उसके पापा ने सारा घर साफ कर दिया और फिर पूरे परिवार ने साथ हंसी खुशी खाना खाया। सोनू हमेशा देखता था कि उसके माता पिता किसी न किसी की मदद करते ही रहते थे, इसलिए वो भी लोगों की छोटी मोटी मदद कर देता था। एक दिन स्कूल में, बच्चों, हेल्पिंग अदर कैन चेंज द वर्ल्ड, अगर हम सब एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दें तो ये दुनिया बदल जाएगी और सबकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। तुम सबका आज का होमवर्क है कि तुम सब किसी ऐसे की मदद जरूर करो। स्कूल की बेल बजी और सभी बच्चे टीचर की बात भूल गए, लेकिन सोनू को याद था। पापा पापा। सोनू बेटा, कैसा था आज का दिन? पापा बहुत अच्छा, हमने बहुत खेला और टीचर ने आज हमें बहुत ही अलग होमवर्क दिया है। अलग? हमारा होमवर्क है कि हम किसी की मदद करें। बस इतना ही? तुम्हारा ये होमवर्क मैं कर दूंगा। पापा आइसक्रीम। नरेंद्र जी ने सोनू को आइसक्रीम दिलवाई और तभी बरसात शुरू हो गई। उन दोनों ने अपने अपने छाते खोल लिए। दोनों घर के रास्ते चल रहे थे, तभी सोनू की नजर एक कुत्ते पर पड़ी जो बरसात में कांप रहा था। सोनू दौड़कर उस कुत्ते के पास गया और सोनू ने अपना छाता कुत्ते को दे दिया। फिर वो भीगता हुआ अपने पापा के पास वापस आया। सोनू भीगो मत, यहाँ आओ, तुम्हें जुकाम हो जाएगा। आया पापा। तुमने अपना छाता उस कुत्ते को क्यों दे दिया?
क्योंकि उसे उस छाते की मुझसे ज्यादा जरूरत थी और मैंने टीचर का होमवर्क भी कर दिया जरूरतमंद की मदद करके। कहाँ से सीखते हो तुम ये सब? आपसे और मम्मी से। नरेंद्र जी अपनी बेटी की अच्छाई देखकर बहुत खुश हुए। सोनू बेटा, ये बात हमेशा याद रखना, जीवन में खुशी सिर्फ दूसरों की मदद करके मिलती है, क्योंकि खुशी पैसों से खरीदी नहीं जा सकती। इस कहानी की सीख है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए।